नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ। नागपुर में सड़क पर खड़े टैंकर को निजी ट्रैवल्स बस ने जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। बस चंद्रपुर के बल्लारपुर से नागपुर जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण से पहले अवधपुरी को सजाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में फिर से नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट शुक्रवार रात ठीक 12 बजे खुले। साल भर में एक दिन खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लहरो परिग्राम इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल दिसंबर में होंगे। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल को लेकर चीजें अब तक क्लियर नहीं हो सकी है। अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि बैक टू बैक मैच करवाना ठीक नहीं है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 और 10 अक्टूबर को लगातार 2 मैच खेले जाने हैं। बीते दिनों सलमान खान अपने न्यू बाल लुक के साथ मुंबई में स्पॉट हुए। बॉलीवुड के भाईचान के नए लुक की तस्वीरें वीडियो पर और सोशल मीडिया पर काफी वायरल। रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर अलग हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर 265 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए हैं। पुणे में शरद पवार ने बीजेपी और अजीत पवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है। अभिषेक बच्चन और सयामी खैर स्टारर फिल्म घूमर ने पहले दिन सिर्फ 85 लाख रुपए की कमाई की थी। हालांकि तीसरे दिन फिल्म ने रफ्तार पकड़ी है। शुरुआती 2 दिनों के मुकाबले रविवार को आर बार की इस फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ।